सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर आज हमारे पास आ चुका है रियलमी का 11 सीरीज का एक स्मार्टफोन है। ये एक बजट सेगमेंट में आता है, 15,000 रुपये से नीचे आपको इजीली मिल जाएगा। 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज के साथ अमेजोन पर अवेलेबल है और ये है रियलमी 11X 5G। तो ये प्रॉपर 5G फ़ोन है, 15,000 रुपये से नीचे आपको ईजिली मिल जाएगा और काफ़ी बढ़िया है यार। अगर मैं स्पेसिफिकेशन को देखूँ और बजट को कंसिडर करूँ तो ये है इसकी प्रॉपर बॉक्सिंग, वही टिपिकल येलो और ब्लैक के अंदर आपको मिलता है ये। और ये इसकी कुछ क्विक डिटेल्स हैं, ये इसकी यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है। 8 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी कैमरा आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा, फ्रंट में भी आपको मिल जाएगा और ये इसके सारा बॉक्स कंटेंट है। अब बारी है इसकी अनबॉक्सिंग की, इसे निकालते हैं बाहर फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखो, मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड, खैर पुराना हो गया ये यहाँ पर बॉक्सिंग मैंने खोल दिया है। डेयर टू लीप जो इनका मोटो आता है ये वही है। ये ऊपर एक बॉक्स आता है जिसके अंदर कवर और वो सब होगा। ये है प्रॉपर डिवाइस या फिर कह सकते हैं कि फोन। कैमरा यूनिट इन्होंने बिल्कुल राउंड दिया हुआ है। ये 33 वॉट का आपको चार्जर मिलेगा इसके अंदर, सुपरबुक। अब सुपरबुक कैसे है 33 वॉट, मेरे को नहीं पता। और ये इसके अंदर USB टाइप ए टू टाइप सी आपको यहाँ पर केबल मिल जाएगी, टिपिकल रियलमी वाली जो आती है। ये इसके अंदर बॉक्स इसके अंदर हमें मिलता है। बाकी खाली इसके अंदर हमें मिलेगा एक स्मोक ब्लैक ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलेगा जो TPU वाला आता है। उसके बाद क्विक स्टार्ट गाइड है और जो नॉर्मल पेपर वर्क है। सिम इजेक्टर टूल भी आपको मिल जाएगा। ये कवर है, इसे मैं आपको आगे लगा के दिखाऊंगा। और जो रियलमी 11 सीरीज के अंदर आया था ना, प्रो प्लस और प्रो के अंदर जो सेंटर में पूरा राउंड डायल आया था, तो इसके अंदर क्या करा है कि रम तो है तो वही राउंड है लेकिन इसे थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इसे मैं बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। और भाई डिजाइन वाइज थोड़ा यूनिक लगा मेरे को, कह सकते हैं यार कि हाँ लेने लायक है। अगर कोई मतलब फीमेल्स के लिए ज़्यादा पसंद आने वाला है उन्हें, क्योंकि लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है ये और डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हालांकि कैमरा लेंस है पूरा तो उसे टूटने का चांसेस रहते हैं। देखो यहाँ पर कितना शाइन कर रहा है ये, बिल्कुल स्पार्कल और ग्लिटर इसके अंदर डाले हुए हैं रियलमी ने। ये काफ़ी यूनिक सा लगा मेरे को कि हाँ चलो यार अच्छा है। 15,000 रुपये से नीचे आपको 8 GB रैम मिल रही है, 128 GB स्टोरेज मिल रही है। ये है इसका सेटअप। तो यहां पर ये सेटअप इसका कंप्लीट हो चुका है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी और डिटेल्स, देखते हैं कौन सा इसके अंदर रियलमी UI वर्जन मिल रहा है, एंड्रॉयड वर्जन मिल रहा है और कितना आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। ये टिपिकल जो रियलमी UI आपको मिलता है वही आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। और जो इसके अंदर हमें सेटिंग के अंदर, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि प्रॉपर इसके अंदर कौन सा वर्जन हमें मिल रहा है। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले इसके अबाउट सेक्शन के अंदर, ये मैं एक बार आपको आगे दिखा दूंगा। तो ये है इसका अबाउट और ये है रियलमी UI 4.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है इसके अंदर। और 128 GB स्टोरेज है जो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और देखो ये है कवर लग के, इसका कवर लग जाने के बाद ये एक बॉक्सी टाइप का जो आपको फील देने वाला है, एजिस थोड़े से ऊपर निकले हुए हैं कवर के जो डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करते हैं। ये है इसका कैमरा, कैमरा परफॉर्मेंस बढ़िया लगी, डिसेंट है अगर हम प्राइस को कंसिडर करें। मोटरोला का टक्कर नहीं है लेकिन हाँ ठीक है यार, उसके हिसाब से ठीक लगा मेरे को, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है इसका वीडियो सेक्शन जिसके अंदर 1080p 30 FPS तक आप मैक्स रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो ये 720p है और ये 1080p है, तो इतना आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप इजीली रिकॉर्ड कर लोगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, सेटिंग के अंदर मैं आपको और दिखा दूंगा। वो टिपिकल कैमरा ऐप की सेटिंग है इसके अंदर। अगर आपने रियलमी यूज़ किया है पहले से तो आपको पता होगा इसके अंदर क्या क्या हमें मिल जाता है। देखो ये शूटिंग मेथड है, जेस्चर्स, और ये है इसका अबाउट सेक्शन का और डिटेल्स। तो ये रियलमी UI 4.0 हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी एंड्रॉयड 13 पे। तो एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और एक अपडेट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये ठीक लगा कि चलो अपडेट के मामले में भी आपको ये डिवाइस निराश नहीं करेगा और लेटेस्ट रियलमी UI भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। MediaTek Dimensity 6100 मतलब 6100 प्लस का जो है इसके अंदर सॉफ्टवेयर मिलेगा। 8 GB तक रैम आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब 8 और 8 16 GB आप इसे रैम को बना सकते हो, जो ठीक है।
हालांकि कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है वो तो बात की बात है। ये इसकी कुछ क्विक डिटेल्स हैं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब ये एमोलेड स्क्रीन है या नहीं वो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो मेरे को लगता है कि यार ठीक है, 15,000 के बजट सेगमेंट में आपको इतनी तगड़ी रिफ्रेश रेट मिल रही है, 5,000 एमएच की बैटरी मिल रही है, जो ठीक है। और ये है प्रॉपर इसकी सारी डिटेल्स रियलमी 11X की। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।